आई एम एडिटर. आई जस्ट वॉन्टेड टू नो कि वॉट हैपन, लाइक हु अप्रोच्ड यू. आई जस्ट सॉ न्यूज अबाउट यू. ओके मैम, एक्चुअली हुआ ये था कि 6 अक्टूबर को मेरे पास दो बंदे आए थे. एक का नाम आलोक जैन था और दूसरे का नाम शैलेश चौधरी था. और उन्होंने मुझे ऐसा बताया था कि बहुत इम्पोर्टेंट काम है आपके पास. मैंने उनसे पूछा क्या काम है, तो उन्होंने मेरे को कुछ बताया. उन्होंने तीन काम बताया मुझे. पहला था कि उनको कुछ नंबर के सीडीआर चाहिए थे और कुछ उनके पास 8-10 नंबर थे, जिसमें से एक नंबर पूजा ददलानी नाम से सेल था. बट वो आपको कैसे पता चला पूजा ददलानी के नाम से? वो सेव था उनके मोबाइल में. ओके ओके, उनके मोबाइल में से. और उसके बाद उन्होंने मुझे एक व्हाट्सएप चैट का बैकअप फाइल बताया. तो इस फाइल में हमको जो हम मॉडिफिकेशन बोलेंगे वो करके देंगे. बट वो पॉसिबल है टेक्निकली? हाँ मैम, उसको रॉकेट साइंस नहीं है वो. ओके तो हम जो बोलेंगे उसको मॉडिफाइड करके देना है. ये कंटेंट जो हम बोलेंगे वो डाल के देना है करके. और वो जो फाइल थी, मतलब जो मुझे बताई गई फाइल, वो आर्यन खान चैट नाम से थी. और आखिरी उन्होंने मेरे को ये बताया कि प्रभाकर सेल इस नाम से हमको डुप्लीकेट सिम कार्ड चाहिए. तो फिर मेरे को ये सब मतलब तभी मैंने बहुत इग्नोर कर दिया. और इसके लिए मेरे को उन्होंने 5 लाख का ऑफर भी दिया. 5 लाख का ऑफर दिया और कुछ एडवांस वगैरह दिया मुझे. हाँ, मुझे 10,000 रूपये मेरे हाथ में उन्होंने जबरदस्ती रख दिए. मुझे ना सिर्फ ये पूछना था दो चीजें कि क्या व्हाट्सएप चैट को हम लोग जो इनक्रिप्टेड होता है, वो इनक्रिप्शन को हम लोग बाईपास कर सकते हैं क्या? मैडम पूरा व्हाट्सएप हैक कर सकते हैं. पूरा व्हाट्सएप हैक कर सकते हैं? हाँ. ओके और थोड़ी सी टेक्निकलिटी बता सकते हैं कि कैसे हैक किया जा सकता है? थोड़ी सी टेक्निक. इसके अंदर कैसा रहता है कि मैं आपके मोबाइल का पूरा जो आपका जो पूरा मोबाइल है उसका एक्टिविटी मैं ले लेता हूँ. और लाइक अ मिरर, मतलब आप जो एक्टिविटी करेंगे. हाँ मैम, बहुत सारे वे हैं उसके नंबर. उसमें उनको आप कुछ वल्नरेबिलिटी कुछ करोगे उसमें? नहीं, वो जरूरत ही नहीं पड़ती मैम. वो जरूरत ही नहीं पड़ती. ओके और ये जो क्लोन करना था सेल का मोबाइल सिम कार्ड, तो इस नहीं, क्लोन नहीं करना था. उस नाम से उनको फर्जी सिम कार्ड चाहिए था. अच्छा, उसी सेम नेम से? हाँ. तो वो तो सर्विस प्रोवाइडर्स दे सकते हैं ना, आपको क्यों अप्रोच किया? हाँ. तो मैम हमारे कॉन्टेक्ट रहते हैं ना, इस वजह से. ओके, मतलब हाँ. ओके तो अभी आपने इस चीज को रिफ्यूज कर दिया करने से? हाँ, मना कर दिया. तो आपने एनसीबी को इसकी कंप्लेंट की? हाँ, मैंने एनसीबी को लेटर भेजा है. मैंने मुंबई कमिश्नर ऑफिस को भी लेटर भेजा है. मैंने होम मिनिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र को भी भेजा है और सेंट्रल होम मिनिस्ट्री को भी भेजा है. ओके और ये जो अप्रोच करने वाले तीन लोग थे, इनका नाम क्या था? आलोक जैन और शैलेश चौधरी. ओके और सैम डिसूजा ने आपको अप्रोच किया था? उन्होंने मुझे जाते हो एक नंबर दिया, बोले आप एक काम करो, सुबह इस नंबर पे फोन करना, आपके लिए मुंबई में बहुत बड़े बड़े काम है, आप जलगांव में क्या अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो. ऐसे करके उन्होंने मुझको नंबर जो दिया और मैंने वो ट्रू कॉलर पे देखा वो नंबर, तो वो सैम डिसूजा नाम पे नंबर था. मनीष, मुझे एक बात पूछना था, इन लोगों ने आपको अप्रोच कैसे किया? मीन्स किसने बताया इनको आपको अप्रोच करने के लिए? क्या आपने अभी मैंने भी उनको यही पूछा, तो उन्होंने मुझे सिर्फ इतना आंसर दिया कि आपके कोई करीबी फ्रेंड है गुजरात के, उनके थ्रू हमें आपकी सारी डिटेल्स मिले और हम आप तक आए. अच्छा, ये गुजरात वाया गुजरात आपके पास आए ये लोग? हाँ. आपने ऐसे काम पहले कभी किए हैं? बिल्कुल नहीं मैम, लेकिन 2016 से जब से मतलब एज ए मैं सामने आया हूँ, तो मैम ऐसे बहुत सारे सट्टे वाले और ये वो मेरे पास आते रहते हैं. ओके ओके ओके, मैं सारे गलत काम वाले लोग आपके पास आके अप्रोच करते हैं, क्योंकि हैकिंग की लाइनिंग में गलत है. बिल्कुल, आप हैकिंग में करते क्या हो? मैम मैं हैकिंग सिर्फ और सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट के लिए अगर कोई चीजें हैं उसमें करता हूँ. और सेकंड थिंग, यहाँ पे जो
मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट कि जो भी मिसिंग लड़कियां होती है या कोई मिसिंग कंप्लेन आती है तो उनका वो मोबाइल पैक देते हैं, तो उनका लोकेशन निकालना या फेसबुक पे उनका लोकेशन ट्रेस करना, तो मैं हाँ गवर्नमेंट की हेल्प के लिए मैं करता हूँ। मीन सिक्योरिटी पर्पज से करते हो आप, हैकिंग पर्पज से? हाँ, हाँ, नहीं। ओके ओके, तो अभी अभी पूरे मामले में आपका क्या स्टैंड रहेगा? मेरा स्टैंड तो क्लियर है मैम कि मैंने ये मेंशन किया हुआ है कि जो इन्वेस्टिगेशन आप करोगे या हो रही है तो इस एंगल से भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। किस एंगल पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए? ये जो मतलब जो मैंने हाँ मैंने जो बातें कही हैं उस लेवल से भी मतलब वो एंगल से भी आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, क्योंकि अगर प्रभाकर साई के नाम अगर मैंने ये काम नहीं किया तो हो सकता है वो किसी और के पास अप्रोच हुए रहेंगे, और अगर उसने वो करके दिया है तो प्रभाकर साई की जो लाइफ है वो थ्रेट है। बिल्कुल, क्योंकि उसके उसके नाम का अगर सिम कार्ड अगर उनको मिल गया होगा तो कभी भी कुछ भी मिसयूज हो सकता है। बट ऐसे सिम कार्ड मिलने के चांसेस हैं? हाँ मैम, बहुत सारे मैम, 2-3 महीने में एक ना एक केस तो आपको मिलेंगे। ओके, और सीडीआर निकालना इतना आसान रहेगा? मैम सीडीआर भी बहुत ही इजी है, पुलिस के लिए सीडीआर निकालने के लिए उनको 48 आवर्स लगते हैं। और हमारे जैसे मैम बिल्कुल आधा एक घंटे में सीडीआर निकाल के देता है किसी का भी। हाँ किसी का भी। ओके, तो ये मिसयूज हो सकता है अगर कोई करके देगा तो। हाँ, हाँ। ओके, थैंक्स अ लॉट मनीष फॉर स्पीकिंग।